हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, मैं स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, सुपर पन सीरीज के तहत आप सभी को पता है कि ये सीरीज बहुत पहले से हमने स्टार्ट की। इसमें 12th स्टैंडर्ड, 12th साइंस, 12th कॉमर्स एंड 10th स्टैंडर्ड सभी को हमने इंक्लूड किया हुआ है। सो गाइस, आज सुपर पन सीरीज के तहत 10th स्टैंडर्ड का इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि गाइस, एसी जनरेटर ऑलरेडी हमने दिया था, देन उसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर ऑलरेडी दोनों, क्योंकि दोनों बहुत बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था, इसीलिए मैंने दोनों सेपरेट सेपरेट वीडियो बना के दे दिया है, आप देख सकते हो। और आज ये कर लोगे पूरी तरह से लेसन कंप्लीट हो जाएगा। एंड गाइस, फोकस लगा के रखो एकदम दिमाग पे, क्योंकि आज ये कंप्लीट कर देना, आज कंप्लीट करना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको लगे कि आपके प्रदीप सर आपके लिए कंटिन्यू हार्ड वर्क कर रहे हैं तो चैनल को शेयर कर सकते हो गाइस। सो गाइस, आपके सामने जो देखो सुपर पन सीरीज के तहत हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं कि जो भी, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा, तो इस कम टाइम में फटाफट फटाफट सब चीजें करके टॉप स्कोर कैसे करें। तो गाइज वही चल रहा, देखो ये सामने जो बल्ब का आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम की प्रॉपर प्रैक्टिस करना है, उसको लेवलिंग करना है कि ग्लास सपोर्ट कहाँ है, स्क्रू कैप कहाँ है, ग्लास बल्ब कहाँ है, कॉइल कहाँ है, ये वैक्यूम नाइट्रोजन का, ये सभी चीज़ों को आपके दिमाग में फिट करना है और इसको आज के आज कंप्लीट करना है। एक ये डायग्राम हो गया, देन इसके बाद गाइस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर, ये वाला, ये एक कार्डबोर्ड है, इसके अंदर सर्किट लगाया हुआ है। और इसके बाद आप देखोगे कि जो हमने क्या आयरन फिलिंग उसके ऊपर डाला है, उसका वो किस पोजीशन में किस तरह से एक्ट कर रहा है, सभी चीज़ें आपको दिखाई देगी। और ऐसा ही ये वाला नहीं, ये वाला डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करके रखना है और आज ही कंप्लीट करना है इसको। देन इसके बाद राइट हैंड थंब रूल बहुत सिंपल है। इमेजिन यू आर होल्डिंग अ कंडक्टर इन योर राइट हैंड। अब ऐसा सोच के चलो कि आपने कंडक्टर को राइट हैंड, एक कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसको आपने राइट हैंड में होल्ड करके रखा हुआ है और ऐसे होल्ड करके रखा, ऐसे हो गया, बस यहाँ काम खत्म हो गया। अब ऐसे होल्ड करके रखा है तो कंडक्टर अगर ऐसा है, अगर ऐसा दिखा दो, कंडक्टर अगर ऐसा है तो करंट भी तो ऐसे ही फ्लो होगा ना, तो हो गया ना खत्म, यही याद हो गया कि आपको लिखना कितना, बस इतना ही लिखना है, इमेजिन वी आर होल्डिंग अ कंडक्टर इन अवर राइट हैंड। हमने अपने राइट हैंड में क्या किया, कंडक्टर को होल्ड किया हुआ है। थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, अब अगर कंडक्टर ऐसा है तो थंब क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, खत्म, राइट हैंड रूल खत्म हो गया। थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, खत्म हो गया। अब इसके बाद गाइस नेक्स्ट, ये एग्जाम में भी, ये इसके भी आने के चांसेस है, तो मैग्नेटिक जो सोलेनाइड से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो बस आपको देखो दो तीन पॉइंट, ये डायग्राम की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये डायग्राम में नॉर्थ साउथ, ये जो डायरेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन ऐसे का ऐसा ही रखना है। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं और मिस्टेक हो जाता है। देखो ये डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, ये देखो नॉर्थ टू साउथ, यहाँ भी दिख रहा नॉर्थ टू साउथ, तो ये जो एरो का साइन दे, इसमें गड़बड़ मत करना, इसमें गड़बड़ करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद गाइस आपको याद क्या करना है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो ये सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम किसकी तरह होता है, बार मैग्नेट की तरह होता है, तो सेम लिखा, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनाइड एंड बार मैग्नेट आर सिमिलर, मतलब सोलेनाइड और जो बार मैग्नेट होता है वो दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है। देन दूसरे एंड पे नॉर्थ है, एक एंड पे क्या है, साउथ है, और डायरेक्शन आपको दिख रहा है कहां से कहां ट्रेवल हो रहा है, हो गया तीन पॉइंट, काम खत्म। और इसके साथ डायग्राम बता दो, अगर ज्यादातर तो डायग्राम ही आता है, बट कभी कभी अगर इस पे एक्सप्लेन करने के लिए आ गया सोलेनाइड का, तो आप इस तरह से चीजों को लेके क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओनली तीन चार पॉइंट लिख दिया, काम खत्म हो गया। चलो आगे चलते हैं, देन इसके बाद गाइस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल FMC, ये याद रखो, एफ एम सी, एफ मतलब फोर्स, ये जो थंब हमारा है, देखो मैंने स्टार्टिंग से इस तरह से किया हुआ, थंब होता है, इंडेक्स फिंगर होता है, देन मिडल फिंगर होता है, तो आपको बस इस तरह से याद रखोगे, मैंने ये लाइन वाइज आपका आप, फिंगर तो आपके पास ही है ना, कहीं गया तो है नहीं, इसको याद रखो। थंब इंडिकेट क्या इंडिकेट कर रहा है, फोर्स ऑन अ कंडक्टर, हो गया। देन एम हमारा दिखा रहा है, एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सी मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडल फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो थंब इंडिकेट फोर्स ऑन द कंडक्टर, मिडल फिंगर इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड एंड सॉरी इंडेक्स फिंगर इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, हो गया। FMC क्या हमारा, L
ओके FMCL, FMCL आप जिस तरह से याद कर सकते हो, देन आगे, देन सिक्स MMI, MMI मतलब फ्लेमिंग, वो लेफ्ट हैंड रूल था, ये राइट हैंड रूल है, वो लेफ्ट हैंड रूल था, ये राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल में क्या हो रहा है गाइस, जो आपने कंडक्टर अपने राइट हैंड में पकड़ के रखा हुआ है, ये कंडक्टर क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है। इसीलिए ये जो थंब है, थंब क्या इंडिकेट करेगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर इस समय, कंडक्टर क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है मोशन में, क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है मोशन में। मैंने एसी में आपको बताया है, समझाया था, जो कंडक्टर है वो क्या कर रहा है, जिसमें से करंट फ्लो होने वाला, गोल गोल घूम रहा है। इसीलिए यहां ऐसा लिखा हुआ है, एम मतलब थंब इंडिकेट द मोशन ऑफ द कंडक्टर, थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, मोशन ऑफ द कंडक्टर। देन इसके बाद सेकेंड वाला आपको पता है, ये हमारा कौन सा फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा, वो इंडिकेट कर रहा है। देन इसके बाद गाइस लास्ट, मैंने बोला था कि जब भी कंडक्टर ऐसे गोल गोल घूमता है तो जो करंट प्रोड्यूस होता है वो करंट होता है हमारा इंड्यूस करंट। तो गाइस मिडल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इसीलिए इसके अंदर ऐसा दिया हुआ है। जब भी बहुत सारे बच्चे ओनली डायरेक्शन ऑफ करंट लिख देते हैं तो गलत है। अगर मोशन ऑफ द कंडक्टर, मोशन ऑफ द कंडक्टर एसी जनरेटर में आपने देखा था, वो कॉइल बीच में गोल गोल घूम रहा था, और कॉइल के बीच में गोल गोल घूमने के कारण ही, मैग्नेट के बीच में गोल गोल घूमने के कारण ही उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा था, एसी जनरेटर करंट प्रोड्यूस हो रहा था। तो सो गाइस एम मतलब मोशन ऑफ अ कंडक्टर इंडिकेटेड बाय थंब, देन इंडेक्स फिंगर इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब इंड्यूस करंट, मिडल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस करंट, मोशन ऑफ द कंडक्टर। सो गाइस यहाँ ये पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो गया, पूरा लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा करने की इसके अंदर अब जरूरत ही नहीं बची। हाँ, ड्यू रीजंस जो इससे रिलेटेड है, जैसे अभी शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड आ सकता है, ओवरलोडिंग से रिलेटेड आ सकता है, ये सभी छोटी छोटी चीज़ें कर लेना है। बाकी टेलीग्राम पे मैं सभी चीज़ आपको भेजता रहूँगा, और आपको क्या करना है, जम के पढ़ना है, क्योंकि अब हमारा मिशन है टॉप स्कोर। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ध्यान रखो, जय हिंद।